मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में खरमपुर चौधरी में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पसरा सन्नाटा, पुलिस बल हुई तैनात। आपको बता दें कि मामला है बरेली के इज्जत नगर के खरमपुर चौधरी गांव में। अब पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे पहले पुलिस पर हमला और जवाबी कार्रवाई में ग्रामीणों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब इलाके में पुलिस बल तैनात है। करमपुर चौधरी गांव में घटी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कुल 44 लोगों की गिरफ्तारी और जेला भेजा गया। 200 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई से पूरा इलाका सहमा हुआ है। लोग घरों में कैद हैं। दूर दूर तक जहां भी हमारी नज़र गई केवल मवेशी ही नज़र आए। लोगों में खौफ का आलम है कि घर के बाहर बंधे मवेशी का चारा देने तक लिए ग्रामीणों घर से बाहर नहीं निकले। हमने स्थानीय महिलाओं से बात की तो उनकी जुबानी पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहा तो जवाब हमें मिला वो चौंकने वाला था। इस खुलासे में ये कहा गया कि पुलिसकर्मियों ने बेकसूर महिलाओं पर लाठी भांजी। सर, कल जिस तरह से थाना जद्दगर की घटना हुई थी, पुलिस चौकी को फूंकने का प्रयास था, पुलिस पर हमला था, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, थोड़ी देर तक उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वहां से हटाया और इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई। 44 लोग जिसमें नामजद हैं और 200 लोग करीब 150 लोग करीब अज्ञात में हैं। समस्त धाराएं जो उन लोगों ने चौकी को जलाने का प्रयास, पुलिसकर्मियों से मारपीट का प्रयास, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और रास्ते को जाम करने, जितने भी उनके अपराध थे उनकी सभी सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है। और जो इसका उकसाने वाले थे, जो उस गाँव के प्रधान थे, तसव्वुर प्रधान जिन्हें कहते हैं, वो जिन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा करके वो चौकी को घेरने या चौकी पर चलने के लिए उकसाया था, उसकी भी अरेस्ट हो गई है। ये सब जेल भेजे जा रहे हैं और इनमें से जिन लोगों ने चौकी पर बहुत उपद्रव किया था उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।